तो फील गेम फैमिली की हैवी डिमांड के बाद आज फाइनली द रॉक का अल्टीमेट पावर टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप नहीं जानते कि अल्टीमेट पावर टेस्ट में क्या होता है तो ज्यादा कुछ नहीं, जो भी सुपरस्टार का अल्टीमेट पावर टेस्ट होता है उस सुपरस्टार के तीन कैरेक्टर 2K23 के हाईएस्ट रेटेड सुपरस्टार्स के साथ टैग टीम मैच में फाइट करते हैं। और ऐसे में अभी तक ये अल्टीमेट पावर टेस्ट रोमन ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का कर चुका हूं, और अल्टीमेट पावर टेस्ट की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो ये वीडियो के बाद अगर वो तीनों वीडियो नहीं देखिए तो उसको भी देख लेना। लेकिन फिलहाल आज द रॉक का पावर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोन कोल्ड 96, ब्रॉक लेसनर 97 और रोमन रेंस 99 तो है। और कल मैंने फिर से इंस्टाग्राम पे AEW का स्टीम कोड दिया था, जो कि मुझे लगता है कि चिन्मय भाई ने जीता है। और एक और AEW फाइट फॉरएवर के स्टीम कोड मैं जल्दी देने वाला हूं, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो एकदम फटाक से फॉलो कर लो मेरे भाई। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है अभी तक तो एकदम फटाक से सब्सक्राइब करो। रॉक और स्टोन कोल्ड ये दुश्मनी, रॉक और स्टोन कोल्ड की दुश्मनी वैसी ही है जैसी रोमन और ब्रॉक की, सीना और रैंडी ऑर्टन की। अभी तक तो कोई पावर टेस्ट नहीं जीत पाया, क्या आज रॉक जीत पाएंगे देख लेते हैं। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि स्टोन कोल्ड के दो दो स्टनर, रॉक के पास भी दो दो फिनिशर हैं। सबसे जवान वाले रॉक स्टार्ट कर रहे हैं मैच, जवान वाले रॉक स्टार्टिंग में पिट रहे हैं। अगर इसी तरह जाते रहा भाई मैच तो एक रॉक एलिमिनेट हो जाएंगे, दो दो स्टनर है। लेकिन रॉक ने मौका नहीं दिया, रॉक अब फिनिशर लगाएंगे भाई, पक्का रॉक बॉटम लग नहीं वाला है, लग गया। और रॉक के पावर टेस्ट के लिए सब इसीलिए इतना बोल रहे थे क्योंकि रॉक इधर कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो देखते हैं कि जो रोमन, ब्रॉक और सीना नहीं कर पाए, यानी कि अपने अपने पावर टेस्ट में नहीं जीत पाए, रॉक कर पाएंगे। एक और रॉक बॉटम, बैक टू बैक स्टोन कोल्ड का है भाई, इतना जल्दी कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया, आई थिंक 2 मिनट भी नहीं हुआ है। लीगल आदमी रोमन रेन से रोमन का काउंट आउट स्टार्ट हो गया है। रोमन थोड़ा ध्यान देना, केंडो स्टिक से गलत रॉक को मार रहे हो, वो जवान वाले रॉक को मारना है रोमन। हाँ चलो अच्छा ही है, अच्छा ही कि आ गए तो फिर से स्टार्टिंग 1 से होगा। रोमन अंदर लेके जाओ, स्टोन कोल्ड कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिमिनेट हो गए भाई। एक स्टनर नहीं देखा हमने, एक स्टनर तो बनता था लेकिन एक भी स्टनर देखने नहीं दिया जवान वाले रॉक ने, कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिमिनेशन कर दिया आर्म रेंज के साथ, DDT। अच्छा था रोमन, लेकिन अंदर जाने की तैयारी करो क्योंकि एक टीममेट चला गया और 5 हो गया है, डबल काउंट आउट हो गया। ब्रॉक लेसनर बेचारे अकेले बच जाएंगे, 2 रॉक वर्सेस 1 ब्रॉक। ये भी सही है लेकिन ऐसा नहीं हो तो अच्छा है क्योंकि मैच फिर बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। रोमन बैरिकेड पे लेट गए, गया भाई, 10 हो जाएगा, 8 हो गया। ब्रॉक भी पिट रहे हैं भाई, रॉक ने तो डोमिनेट कर दिया है मैच इस तरह से, तो हार जाएगी। दाइन हो गया, रोमन आने की तैयारी करो जल्दी, रेफरी ने बुला लिया, बच गए, ऑलमोस्ट एलिमिनेट होते होते बचे हैं। अनाउंसर ने 1 घंटा बाद अनाउंस किया कि स्टोन कोल्ड एलिमिनेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे अनाउंसर, अनाउंसर की भाई तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, 1 घंटा बाद अनाउंस करता है, सही है। रोमन अब बहुत ही संभल के खेलना होगा, ऑलमोस्ट एलिमिनेट होते होते बचे हैं, 2 मिनट भी नहीं हुआ है मैच को, आई थिंक 2 मिनट हुआ होगा, लेकिन हाँ लगभग 2 मिनट में एक एलिमिनेशन हो गया है और दूसरा होते होते बचा है। अब देखते हैं कि ब्रॉक क्या करते हैं भाई, 3 फिनिशर आने वाला है ब्रॉक के पास, ब्रॉक वर्सेस रॉक। रियल लाइफ में एक ही बार हुआ है जिसमें ब्रॉक लेसनर जीत गए थे, तो रॉक के पास आज बदला लेने का मौका है, लेकिन ब्रॉक स्टील स्टेप्स लेने गए। ब्रॉक को मैंने बोला था कि बदला लेना है, ब्रॉक तो स्टील स्टेप्स लेने चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, स्टील स्टेप्स से बदला लेंगे, ब्रॉक नीचे ही फेंक दिया, बहुत अच्छा। ब्रॉक अंदर लेके जाओ क्योंकि काउंट आउट वाला आज मुझे सीन लग रहा है, पक्का ऐसा लग रहा है किसी का काउंट आउट होगा, बहुत ज्यादा ही ये लोग बाहर घूम रहे हैं। चलो ब्रॉक अंदर लेके जाओ, या खुद ही अंदर चले जाओ, रॉक तो आ ही जाएंगे अपने आप अंदर। ब्रॉक प्लीज रॉक को अंदर लेके जाओ और अब बाहर मत आना, जो भी करना रिंग के अंदर ही करना, बाहर आना तो थोड़ा लेटी से, एक आध एलिमिनेशन करने के बाद एक कमुरा लॉक, लेकिन रॉक इतनी जल्दी तो जाएंगे नहीं भाई, 2012 वाले रॉक को कमुरा लॉक लगाया है। अरे रेफरी को मारने की क्या जरूरत थी, रोमन ने मारा क्या, नहीं रॉक ने मारा, किसने मारा था। अब बस देखते जाओ, रेफरी बेचारी धीरे धीरे काउंट करेगी, सॉरी रेफरी, रॉक ने गलती से मार दिया, पिनफॉल बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो जाती है गलती, ऐसी ऐसी होती रहती है। ब्रॉक लेसनर की बॉडी ऑरेंज कैसे हो गई, इतना तो मार भी नहीं खाया था ब्रॉक ने, रॉक को कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया, रॉक बॉटम। ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट नहीं हुए लेकिन एलिमिनेट हो सकते थे, रेफरी धीरे धीरे गिनेगी, मैंने बोला था। चलो ठीक है, ब्रॉक की रेजिलियंसी बची हुई है लेकिन ब्रॉक की बॉडी लाल हो गई है। एक और फिनिशर, ब्रॉक लेसनर भी एलिमिनेट हो जाएंगे, रोमन बचेंगे अकेले। ओ भाई साहब ये तो रॉक जीत जाएंगे आराम से, गए गए गए, ब्रॉक लेसनर स्पाइन बस्टर एलिमिनेट, कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिमिनेशन हो रहा है, रोमन बच गए अकेले, गिलिटीन लगा दिया। अच्छा याद है रोमन के पावर टेस्ट में क्या हुआ था, रॉक बचे थे अकेले और रोमन 3-3 बचे थे, तो रॉक ने तीनों को एलिमिनेट करके रोमन का मतलब पावर टेस्ट फेल करवा दिया था। आज रोमन के पास भी अपॉर्चुनिटी है सेम काम करने की, रोमन भी करेंगे क्या, स्पीयर अच्छा लगा है, गिलिटीन फिर स्पीयर, लेकिन तीनों रॉक डैमेज भी नहीं है भाई, देख रहे हो
तीनों रॉक की हेल्थ देखो एक बार, तीनों का एक भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं, एक रॉक को एलिमिनेट करो कम से कम, ऐसा लगे तो सही कि रोमन ये मैच जीत सकते हैं। फिलहाल तो नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन चलो रोमन को उम्मीद है। अगर रॉक कर सकते हैं 1 vs 3 तो रोमन ने भी कराई है, याद है ना इवोल्यूशन वाले वीडियो में किया था, 1 vs 3 था वो वीडियो, तो रोमन भी कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन भी है नहीं और बहुत ही बड़ा कैंडोस्टिक से रोमन फिनिशर के लिए जाओ, एटलीस्ट रोमन भी एक आध एलिमिनेशन करे ना, तब ऐसी उम्मीद बन सकती है कि हाँ चलो ठीक है रोमन ये मैच जीत सकते हैं। फिलहाल तो लग रहा नहीं कि रोमन जीतेंगे, रोमन एक ही फिनिशर है, सही से यूज करना, स्पीयर और एक रॉक एलिमिनेट। आज लगता है कि रॉक का भी अल्टीमेट पावर टेस्ट रोमन ही खराब करेंगे, रोमन आज बदला लेने वाले, अपने अल्टीमेट पावर टेस्ट का बदला आज रोमन के पास मौका है लेने का। रोमन बहुत ही संभल के, क्योंकि 2012 वाले रॉक के पास भी फिनिशर है, और फिनिशर ही तो नहीं खाना है रोमन को, हेड को बार बार डैमेज किया जा रहा है ताकि एक बार पीपल्स एल्बो लगाए रॉक और रोमन हो जाए एलिमिनेट। अच्छा ये चाल है, जवान वाले रॉक आ रहे हैं, फुल हेल्थ है इनकी, भाई साहब रोमन को स्पाइन बस्टर आते के साथ, यही स्पाइन बस्टर से ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हुए। पता नहीं कैसे ब्रॉक और स्टोन कोल्ड इतनी जल्दी कैसे एलिमिनेट हो गए, या रॉक को ज्यादा ही पावरफुल हो गए पता नहीं। ब्रॉक तो मतलब आई थिंक एक ही सिग्नेचर ही लगा था और एक फिनिशर लगा था बस, रोमन तो भाई 2-3 फिनिशर आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, ब्रॉक को पता नहीं आज क्या हुआ, हो जाता है कभी कभी, आज ब्रॉक का दिन खराब था या बोलो रॉक का दिन अच्छा था, जो भी था रॉक ने अपना बदला ले लिया ब्रॉक से, वो जो असली वाली हार का बदला था वो आज रॉक ने ले लिया है। नॉर्मल गिलिटीन से तो कुछ नहीं होने जा रहा है रॉक का, रोमन फिनिशर है, फिनिशर अगर लगाते हो स्पीयर या गिलिटीन, अरे ये डीडीटी कितना बार देखने मिलेगा भाई, आई थिंक 3-4 बार अभी तक देख चुका हूँ ये डीडीटी, सही है लेकिन पिनफॉल नहीं करवाना चाहिए रोमन का इतना जल्दी, मोमेंटम बढ़ रहा है रोमन का, सिग्नेचर भी आ जाएगा रॉक। पिनफॉल तभी कराओ जब लगे कि हाँ रेजिलेंसी जा सकती है या पिनफॉल हो सकता है। रोमन के ऊपर केंडो स्टिक टूटने ही वाला है, ऑलमोस्ट टूटने वाला था लेकिन अब रोमन तोड़ेंगे केंडो स्टिक, सिग्नेचर भी आ चुका है रोमन के पास। रोमन एक और रॉक को एलिमिनेट कर सकते हो, वी द वंस मत दिखाओ रोमन, अभी फिनिशर देने का टाइम है रोमन, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हैं, गलत टाइम पे रोमन गलत काम कर रहे हैं। रोमन उठा के सिग्नेचर फिनिशर लगाओ, फिनिशर लगा दिया रोमन ने ये रॉक, लेकिन जाएंगे नहीं ना क्योंकि हेड ऑरेंज ही हुआ है, और 2012 वाले रॉक का तो भाई कोई बॉडी पार्ट भी डैमेज नहीं है, बहुत अच्छा, रोमन के लिए बहुत मुसीबत है भाई, क्योंकि ब्रॉक और स्टोन कोल्ड ने ना ज्यादा कुछ किया ही नहीं इस मैच में, ज्यादा कुछ छोड़ो भाई, आई थिंक 3-4 मिनट में दोनों एलिमिनेट हो गए, इसलिए रोमन को और ज्यादा दिक्कत हो रही है। रोमन के पास सिग्नेचर आ गया, अगर सही से सिग्नेचर यूज करें तो एक फिनिशर भी आ जाएगा। ये देखो रॉक इंतजार कर रहे रोमन का कि रोमन उड़ के क्लोज लाइन मारे, रॉक हटे भी रॉक हटना चाहिए ना, एक सिग्नेचर एक फिनिशर आ गया। रॉक ने रोमन के साथ 1v3 करके रोमन का अल्टीमेट पावर टेस्ट खराब करा था, आज बदला लेने का मौका है रोमन के पास, एक एलिमिनेशन कर दिया है और दूसरा भी कर सकते हैं। ये वाले रॉक को बस एक फिनिशर देना है, बहुत फिट गए ये वाले रॉक, यानी कि जवान वाले रॉक, बस एक सिग्नेचर भी दे दो रोमन काम हो जाएगा। रोमन काउंट आउट से मत जीतना, काउंट आउट से मजा नहीं आता है, लेकिन ठीक है अगर जीत गए तो जीती होगी, लेकिन कोशिश करो पिनफॉल सबमिशन या नॉकआउट, और ज्यादातर चांस है कि नॉकआउट ही होंगे। रॉक अंदर लेके जाओ रोमन, गिनती चालू हो रोमन, अरे क्या कर रहे हो, समोन ड्रॉप लगता है रोमन काउंट आउट से एक रॉक को एलिमिनेट करते, लेकिन मोमेंटम यूज कर लिया, चलो सही है। रोमन एक फिनिशर के लिए जा रहे थे, ड्रॉप किक पड़ा रोमन को, अभी भी चांस है रोमन, अरे फिर वही डीडीटी, भाई कितना बार लगे कोई गिन रहा है, ये वाला डीडीटी कितना बार दे दिया रॉक ने, गिन के बताना मुझे पूरे मैच के बाद टोटल कितना डीडीटी लगाया रॉक ने। मुझे ऐसा लगे कि रोमन गिलिटीन के लिए भी जा रहे थे, लेकिन रॉक ने उसको भी बेली टू बेली कर दिया, और ये आ रहे 2012 वाले रॉक जो कि मारी नहीं खाए। रोमन दो एलिमिनेशन अभी भी करना है, गिलिटीन लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा, हेड येलो ही हुआ भाई, रेजिलेंसी चली गई, पर रॉक इतना जल्दी यूज नहीं करना चाहिए था रेजिलेंसी, ये गलती कर दी रॉक, अभी बचा के रख सकते थे, बैक टू बैक दो गिलिटीन, टैप आउट करने वाले रॉक टैप आउट करने वाले थे, लेकिन टीममेट इसीलिए होता है ना, बचा लिया टीममेट ने, एक फिनिशर लगा रोमन, ये रॉक गए, स्पीयर या गिलिटीन, स्पीयर ही लगाना, स्पीयर लगा रहे रोमन, कहां चले गए, क्या लेने गए रोमन, क्या सामान की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ठीक है डीक्यू ऑफ है तो यूज कर सकते हो रोमन, संभल के सामान यूज करना क्योंकि रॉक फुल मूड में है, रॉक बॉटम लगाने के, स्पीयर रोमन स्पीयर ओके लगाने जा रहे थे, पर रॉक ने उठा के पटक दिया भाई, फिनिशर लगाने के मूड में है रॉक। रोमन एक गलती और एलिमिनेशन हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएंगे रोमन, संभल के रोमन, जाने मत देना रोमन, जाने मत देना, एक फिनिशर लगा सकते हो रोमन, अभी तो और एलिमिनेशन रोमन करने वाले, एक स्पीयर
या गिलेटीन। दूसरे रॉक भी गए और फिर वो फाइनल वाले रॉक तो पूरा पिट भी गए, यानी कि जो सबसे जवान वाले रॉक हैं। स्पियरी के लिए जा रहे दो रॉक एलिमिनेट, रोबन भी आज खराब करने के मोड़ पे आ चुके हैं। एक और रॉक को एलिमिनेट करा, उसके बाद अल्टीमेट पावर टेस्ट रॉक का भी खराब हो जाएगा, जैसे रॉक ने खराब किया था। पिनफॉल नहीं होगा, ना ना ना, बिना फिनिशर के पिनफॉल होने वाला है नहीं, और फिनिशर के साथ भी नहीं होगा क्योंकि रोमन के पास रेजिलेंसी है। अगर फिनिशर से नॉकआउट नहीं हुए रोमन तो पिनफॉल तो नहीं होने जा रहा है क्या? रॉक के पास दो दो फिनिशर, एक सिग्नेचर। रॉक को जीतने के लिए सिर्फ एक फिनिशर लगाना है, लगा दिया। रोमन ने रिवर्स नहीं करा है, लेकिन रोमन एलिमिनेट नहीं हुए, बच गए। रोमन के पास रेजिलेंस है, रोमन यूज कर लिया रेजिलेंस। रोमन के पास लो ब्लो भी है और लो ब्लो यूज कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ है मैच में, लेकिन यूज कर पाएंगे। रॉक कैंडो स्टिक लेके आ रहे, रोमन के पास सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं है। रोमन एक फिनिशर लाना होगा अगर जीतना है तो। कैंडो स्टिक तोड़ दिया भाई, लो ब्लो मार सकते हैं रोमन चाहे तो। लो ब्लो मारेंगे तब तो डेफिनेटली जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, रोमन लो ब्लो यूज करके नहीं जीतेंगे ना। 3v1 रोमन करने वाले, कुछ ज्यादा ही जल्दी मैच खत्म होने वाला था, लेकिन रोमन ने मैच को बहुत लंबा खींच दिया। 99 ओवरऑल रोमन का लग रहा है कि है, मतलब आज के मैच को तो देख के लग रहा है कि रोमन है खतरनाक। एक फिनिशर और, 3v1 हो जाएगा रोमन। रॉक का इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार रोमन उस चीज को करेंगे, 3v1 कर देंगे रोमन। रोमन अंदर जाने की तैयारी करो, डबल काउंट आउट से मैच खत्म नहीं हो जाए, तब भी रॉक का अल्टीमेट पावर टेस्ट फील हो जाएगा, याद रखना, अगर डबल काउंट आउट भी हो गया तो, क्योंकि रॉक को जीतना इस मैच में जरूरी है पावर टेस्ट में पास होने के लिए। देखो फिर आगे रोमन बाहर आने की जरूरत नहीं थी अभी, लेकिन ठीक है, क्लाइमेक्स चल रहा है मैच का। एक फिनिशर, अब तो एक फिनिशर पे बात आ गई है। रोमन पे एक भी फिनिशर पड़ा तो रोमन का पिनफॉल भी हो जाएगा। टेबल खुल चुका है, रोमन टेबल तोड़ा जाएगा या रॉक भी टेबल तोड़ सकते हैं, क्या पता। रॉक सर क्या करने के प्लान में हो? रोमन अंदर ही लेके जाओ, हाँ रोमन बस एक फिनिशर देना है, एक स्पियर और मैच जीत जाओगे। रॉक का अल्टीमेट पावर टेस्ट खराब कर सकते हो, रोमन फिनिशर क्यों नहीं दे रहे? रोमन क्या प्लान है? फिनिशर देना चाहिए था, गिलिटीन, वो भी नॉर्मल वाला गिलिटीन भाई। इसमें रॉक को कुछ नहीं होगा, रेजिलेंस भी यूज करेंगे ना, दोनों की हेल्थ एक जैसी लग रही है। रोमन के पास दूसरा फिनिशर आ चुका है, दो फिनिशर एक सिग्नेचर, एक फिनिशर सिर्फ देना है रोमन। अगर रॉक ने लगा दिया फिनिशर, खेल खत्म है। रोमन को अब रिवर्स करना होगा, नहीं कर रहे रोमन रिवर्स, लो ब्लो भी है रोमन, रॉक फिनिशर ही लगाएंगे। आखिरी रॉक बॉटम, और रॉक अपने अल्टीमेट पावर टेस्ट में जीत चुके हैं, पहला सुपरस्टार जो पावर टेस्ट में जीता है, द पीपल्स चैंप रॉक। द रॉक इधर कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं आज, अल्टीमेट पावर टेस्ट भी जीत लिया जो रोमन ब्रॉक और सीना नहीं कर पाए थे। मैं सोच रहा हूँ कि किंग टूर्नामेंट में डायरेक्ट रॉक को फिनाले में भेज दूं क्या, रॉक वर्सेस रोमन क्या जाए, तब पता चल जाएगा कि रॉक कितने पावरफुल है, किंग बनने लायक है या नहीं। तो आप लोग इस बारे में कॉमेंट करके बताना, और भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एकदम फटाक से लाइक कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि AEW फाइट फॉरएवर का एक और कोड मैं जल्दी देने वाला हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी पर। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।